छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर के उस ट्वीट पर जवाबी हमला किया है, जिसमें चंद्राकर ने झीरम कांड की जांच के लिए बुलाई गई प्रेस वार्ता में कवासी लखमा की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़ा किया है। आरपी सिंह ने कहा है कि भाजपा कार्यकाल में नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश होने वाले चालान से उनके नाम गायब रहते थे और नक्सलियों की रिहाई हो जाती थी। इससे साबित होता है कि भाजपा और नक्सलियों की सांठगांठ है। केंद्र की भाजपा सरकार भी झीरम कांड की जांच के नाम पर फाइल को रोककर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की करतूत छिपा रही है। आरपी सिंह ने कहा कि अजय चंद्राकर की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बता दें कि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने झीरम कांड में बचे मंत्री कवासी लखमा को झीरम का जीवित शहीद बताते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कवासी लखमा क्यों नहीं थे, जबकि वो सारा सच जानते हैं। सवाल इस बात का नहीं कि कवासी लखमा जी कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में बैठते या नहीं बैठते हैं, सवाल इस बात का है, जिसका जवाब चंद्राकर जी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, कि केंद्र की मोदी सरकार नक्सलियों को क्यों बचा रही है।